गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। तो आप लोग देख सकते हैं आज लोहड़ी का फेस्टिवल है, तो काइट की बात की ना जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए कितनी बड़ी काइट है, ये देखिए। तो गाइज़, अमृतसर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए ये यहाँ पर इन्होंने DJ वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखिए, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। जैसे ये पंजाबियों का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ये देखिए काफ़ी यहाँ पे काइट वगैरह उड़ रही है। मैं आपको जैसा बता दूँ ना कि आज यहाँ सुबह से लाइट गई हुई है, वरना ये लोग ना यहाँ पे 4 बजे से यहाँ पे DJ लग जाता है। ये देखिए काफ़ी काइट वगैरह यहाँ पर उड़ रही है। लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं DJ वगैरह लगा के। ये पंजाबियों में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी नहीं निकली आज। ये पंजाबियों का ना मेन फेस्टिवल होता है लोहड़ी का त्यौहार। तो फेस्टिवल कोई भी हो तो फैमिली मेम्बर के बिना अधूरा ही होता है। आप सोच रहे होगे तो आज मेरी दीदी कहाँ पर है। चलिए चलते हैं उसके पास। हम उसके घर आ गए हैं, चलो चलते हैं अंदर, देखते क्या कर रही है मेरी दीदी। सना, हैप्पी लोहड़ी। ये रेडी हो रही है यहाँ पे। हैप्पी लोहड़ी। ये देखिए ये रेडी हो रही है अब। आप तो रेडी हो गए, आए हो मुझे बताया भी। मैंने आपको मैसेज किया था बेटा, आपने नहीं देखा? नहीं देखा। ये मुझे लग रहा सोकर उठी है अभी। इसको देखो। ये देखिए ये मेकअप हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, हाँ जी मैंने भी किया है मैडम। ये देखिए, बस करो, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो ये हम आज रेस्टोरेंट में आ गए हैं। तो ये यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। ये देखिए ये यहाँ पे बैठ के फोन चला रही है। किससे चैट कर रहे हो? पता नहीं। भूख नहीं लगी आपको? थोड़ी सी। चलो फिर चलो। पता क्या बात है, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो मेरे को भूख बहुत लग रही है। अब मैं खा लेती हूँ, ठीक है। हेलो, सच्ची गाइस बहुत टेस्टी फूड है यहाँ का ना। ये यहाँ का मेरे को बहुत पसंद आता है इनका फूड। ये बहुत ही फेमस भी है यहाँ का। ये देखिए अकेले खा रही है यहाँ पे। बहुत ही टेस्टी फूड है और सर्विस भी बहुत अच्छी है इनकी यहाँ पे। हाँ जी सही बात है। ये देखिए मट्ठी छोले, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए रेस्टोरेंट। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टी कलर में यहाँ पे पतंगे लगी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे काइट लगी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी है मल्टी कलर में। वाओ, सो नाइस। ये देखिए ये हॉल गेट है। वैसे मैंने सोचा नहीं था ना कि आज इतनी ठंड हो जाएगी, और ऊपर से आज धूप भी नहीं निकली हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और मैंने इतनी ठंड में इसको परेशान कर दिया। चलो कोई नहीं, इतना चलता है, बेचारी मेरी दीदी। ये देखिए यहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं। वैसे ना सवेरे से हवा नहीं चल रही थी, तो अब चलनी स्टार्ट हुई है। ये देखिए गाइस, ये यहाँ गोल्डन टेम्पल है। और ये देखिए कितना यहाँ पे फोग हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और ये हवा भी चलनी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। ये देखिए काफ़ी ठंड हो गई है, जैसा आप देख सकते हैं। मगर व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे आके ना अजीब सा सुकून सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे ये पतंगे उड़ा रहे हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में आके।
ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, सो नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप लोगों को क्या कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, वाओ। ये देखिए कितनी बड़ी काइट है, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज हम आपको ना अंदर भी लेके चलते हैं, बट अंदर ना बिल्कुल भी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। काइट ये देखिए अंकल भी यहाँ पे काइट उड़ा रहे हैं एक कोशिश अंकल की भी सभी के अपने अपने शौक होते हैं यार, है ना, भी अंकल की भी शौक है। वैसे मुझे तो आती नहीं काइट उड़ानी, चलो कोई नहीं, मुझे उड़ा दिया। आती है तो मेरी सिस्टर मुझे सिखा देगी काइट कैसे उड़ाते हैं, चलो कोई नहीं। काफ़ी लोग यहाँ पे अपना फोटो शूट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी काइट है, वाओ वाओ। ये देखिए गाइस यहाँ पे काइट लगी हुई है। एक्चुअली मेरे भाई को ना काइट का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो वही लेकर आए हैं। ये देखिए बड़ा वाला भी है मल्टी कलर में, कितना अच्छा लग रहा है ना।